था तुम घर में। का देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारा नहीं ये लड़का है। हेलो नमस्कार प्रणाम जोहार वेलकम टू न्यू ब्लॉग, सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। श्री राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? चलिए ठीक ही होंगे। तो अभी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है 5:15 में और ऐसे हम 3 बजे ही उठ गए थे दोस्तों। और आज हम चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। और आपको तो पता ही होगा कि आज जा रहे हैं हम डालते हैं टू रांची, आज हमारी ट्रैवलिंग रहेगी। और फाइनली मैं बहुत दिनों से यहाँ तक रही हूँ और फिर वहाँ से काम करके दीपावली अभी शुरू हो चुकी है भाई, दीपावली की सफाई भी शुरू कर देंगे, वहाँ भी हमको रांची में करनी होती है और यहाँ भी करना होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ तो हमारा 2 रूम है, बाकी दीदी लोग इधर कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे आने से पूरा इधर सर सफाई हो जाएगा, बाकी हमारा जो बचेगा रूम वगैरह वो हमें करना होगा। तो यहाँ पे उतना टेंशन नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन वहाँ मुझे ना रांची में पूरा अपने से अकेले ही करना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ से मतलब यहाँ से जाने के बाद में अपना काम वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जितना कपड़ा लत्ता धोना मांजना जो भी किचन का बर्तन है, किचन वाला हमारा एक दिन लग ही जाती है पूरा सफाई करते, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हो जाती है, एक दिन टाइम हमारा ले लेता है किचन। तो वैसे ही करके एक एक दिन करके, अभी टाइम ही नहीं है दोस्तों, तो मतलब पूरा प्रॉपर आप काम करो ना तो एक मतलब 15 दिन लग ही जाएगा आपको काम करते करते, ठीक है। तो वहाँ जा करके जो काम करेंगे वो दीपावली वाली हमारी तो सफाई की ब्लॉग रहेगी। और चलो चलते हैं घर, और 5:15 हो चुकी है दोस्तों, तो चलते हैं जल्दी जल्दी, तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी और सारे लोग सोए हुए हैं। बाबू लोग को भी यहाँ देखिए जाना है, छोटकी भी सोई हुई है और सत्यम यहाँ पे मोबाइल चला रहा है, ये देखो यहाँ देखिए उठ करके। कितना बजे चला रहे बाबू तुम, कितना बजे से? फिल्म देख रहा था। आज जाना है, बंद करो बंद करो। तो आज जाना है तुमको, है तो फिर कब आओगे? दीपावली में आओगे। ओ देख सकते हैं बाबू, आज हार्दिक टॉयलेट किया है कि नहीं बाबू? दोनों कर दिया, तब तो तुम्हारा बेड तो पूरा एकदम महकने लगेगा बाबू। हैं अंशु, अंशु यहाँ देखो नानी जा रही है। अंशु ये देखो नहीं उठा नहीं है। अंशु अंशु ले पैसा, ले पैसा लो अंशु। ये देख सकते हैं दोस्तों पैसा लेकर के सोता है अभी, शायद कहाँ इसका गुम हो चुका है पैसा, बहुत रोता है यार क्या ही बोले। तो ये देख सकते हैं, चलो बाबू लोग पूरा सोया हुआ है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सुबह का समय है भाई, सबको नींद बहुत आती है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, गुरु को उठाते हैं फिलहाल, उसको अभी नींद खुलेगा ही नहीं तो। अरे अरे यहाँ देखिए, यहाँ पे इतना हमारे यहाँ चूहा है, देखिए 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 दोस्तों हमारा सत्यम लेकर के तैयार है। चलो बाबू चलो, चल रहे राधो, राधो भी उठ गई है, अंशु भी, अंशु की मम्मी। तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, मम्मी जी से मिल लेते हैं इधर, और हमारा लाइट भी नहीं है यहाँ पे, एक आध को बॉल ले आएंगे। यहाँ पे मिल रहा था ना 100 रुपया को, तो गोड़ लगा थी मम्मी, गुड मॉर्निंग श्री राधे राधे। मम्मी हमारी उठ गई, लड़का उठो, उठ बेटा। ये हमारा राजन यहाँ पे सोया हुआ है भाई, बहुत रात में बोले थे इतना ना हमको अच्छा भी नहीं लगता, तो बच्चा को बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात ना बहुत ही लोग कोई क्या ही बोले, समझता ही नहीं है। चलो उठो जल्दी। कैसा तुम्हारा दिख रहा है? चलो कहा देख सकते हैं दोस्तों, सारे बच्चे को जगा दिए हैं और बाबू लोग भी तैयार होगा और जाएगा ही भी, मतलब ये लोग लेट से ही जाएगा, हमारा ट्रेन है 6 बजे, ठीक है। लगा दिया ताला दो, तो चल चल जल्द लेट हो जाएगा। और अंशु दादी के गोदी में बैठी हुई है, बैठा हुआ है, सॉरी लड़की नहीं है लड़का है। चलो जल्दी करो,
मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? ये देखिए दादी, दादी अपने भाषा में कैसे बात करती हैं। मेरी मम्मी जी अंशु के समझा रही हैं। मॉर्निंग के समय में इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है दोस्तों। 5:30 हो चुकी है और हम लोग निकल गए हैं। है सलिया छोटकी वाला लिए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं। आ जाओ, वो निकल गया। ये देख सकते हैं मैं निकल चुकी हूँ। क्या चीज? गेटवा लगा दो। राधो और यहाँ पे हमारा सुबह सुबह का मॉर्निंग का नज़ारा देख सकते हैं, एकदम खूब सुंदर व्यू है, एकदम नज़ारा बहुत मस्त व्यू लग रहा है दोस्तों। खुश रहो राधो, चेंज तो पैसा नहीं है राधो, नहीं तो देते राधो। तो देख सकते हैं दोस्तों आ चुके हैं डाल्टनगंज और आप सभी को डाल्टनगंज स्टेशन पे स्वागत है। तो चलो चलते हैं, और ऐसे तो मेरा ब्लॉग हमेशा यहाँ से रहता है, तो आज आपको बोर नहीं करेंगे, बस ऐसे ही दिखाएंगे और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए रांची तक। ये देखो, देखिए डाल्टनगंज की नज़ारा, लुक लोकेशन, मॉर्निंग की व्यू इस तरह से होती है। और यहाँ पे आपको ना सारे लोग दिखेंगे रांची जाने के लिए और कहीं कहीं जिनको जहाँ जाना है। और ये है, आ रहा है राजन हमारा, और फिलहाल चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। देख सकते हैं बैठ चुके हैं, और आज ट्रेन काफी लेट थी और यहाँ पे बैठ गए, सीट मिल चुकी है और आराम से जा रहे हैं। और पता नहीं कितना बजे वहाँ पहुँचेंगे, 10:11-12 बज ही जाएगा आज। तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से रांची मिलेंगे आपसे। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे आते आते इतना लेट हो चुका है कि 11:30 बज चुका है। 11:30 बजे मैं यहाँ पे रांची में आ चुकी हूँ, और चलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आ गए हैं स्टेशन पे, और यहाँ पे देख सकते इंजन लगी हुई है दोस्तों। यहाँ पे काफी, मतलब यहाँ ना 10 बजे इसका टाइम है ये ट्रेन को, और यहाँ पे लेट हो चुका है, और 8 बजे तो डाल्टनगंज ही आई थी, और यहाँ पे आने के बाद 11:30 बज चुका है। हम लोग जा रहे हैं और अब तक हम घर में रहते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पतिदेव जी आ गए लेने, और जस्ट घर करके आ रहे हैं और ये एंट्री कर गए अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ से। और मैं यहाँ बाहर निकल चुकी हूँ प्लेटफॉर्म से और घर चलते हैं। हमारी गाड़ी आगे लगी हुई है, ये देख सकते हैं।
और रांची का कुछ दृश्य इस तरह से है स्टेशन का, देख सकते हैं। आ गए हैं दोस्तों घर, और यहाँ पे आने के बाद में बाबू लोग खाना वगैरह बना चुका है, और पता नहीं अपने आप के लिए खाना बनाया कि हम लोग के लिए भी बनाया है, फोन किए नहीं थे। तो क्या विवेक, फोन नहीं किए थे, अपने लिए सिर्फ बनाया है, और देख सकते हैं। बंद करो ना, देख सकते हैं दोस्तों अब क्या खाएंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब 3 बजे उठे हैं, मेरा आँख एकदम पूरा नींद आ रहा है, पूरा एकदम नींद आ रहे हैं, अब पूरा नींद लग रहा है। तो वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ।